कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी यूपी पुलिस लगातार विकास दुबे गैंग के लोगों और विकास की संपत्तियों को खंगाल रही है। गैंग के ज्यादातर गुर्गों को मार गिराया गया है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत पर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, बतौर पति और पिता विकास बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपनी गलत आदतों से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं कतई नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे विकास जैसे बने। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। मैं अपने बच्चों को जरूर वहाँ मिलवाने ले जाती थी। मैं चाहती थी कि विकास के गलत काम से मेरे बच्चे प्रभावित ना हो। ऋचा ने आगे कहा, यदि मेरे पास करोड़ों की दौलत होती तो मैं छोटे से घर में रहने की बजाय विदेश में रहती। मैं विकास दुबे के कृत्य पर उन सभी परिवारों से माफी मांगती हूँ जिन लोगों ने अपनों को खोया है। सीसीटीवी से बिकरू गांव की घटना को देखने के सवाल पर ऋचा ने कहा, सीसीटीवी 4 से 6 महीने पहले ही लगे थे। जब कैमरे लगे थे तो यह हमारे लिए नया अनुभव था। बाकी हम देख रहे थे, ये बात पूरी तरह से फेक है। विकास दुबे से अपनी पहली मुलाकात के बारे में ऋचा ने कहा, विकास से पहली बार 1990 में मिली थी। विकास दुबे मेरे भाई राजू निगम का बहुत अच्छा दोस्त था। विकास के आपराधिक बैकग्राउंड की वजह से मैंने ये तय किया था कि मैं अपने बेटों के साथ कहीं और रहूंगी। फिर हमने 2004 में लखनऊ में एक घर बनवाया। वो चाहते थे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी जिंदगी जिएं। 2-3 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। विकास दुबे को पुलिस ने 9 जुलाई को उज्जैन से गिरफ्तार किया। इसके बाद विकास दुबे को 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। इसी दौरान विकास दुबे का कानपुर के नजदीक एनकाउंटर कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.